भारत और इंग्लैंड के बीच खेला जा रहा चेन्नई टेस्ट मैच पूरे तरीके से अब अंग्रेजों की पकड़ में नजर आ रहा है। पहले सेशन में यहां पर पूरे तरीके से इंग्लिश टीम ने भारत को डोमिनेट किया। एक समय जब अश्विन और सुंदर बल्लेबाजी कर रहे थे तो लगा कि भारत फॉलो ऑन को बचा लेगा, लेकिन अश्विन का विकेट जैसे ही गया ना नदीम कुछ कर पाए और ना ही ईशांत शर्मा कुछ कर पाए, जिसके बाद भारतीय टीम को इसका खामियाजा भुगतना पड़ा। फिलहाल भारत को नौवा झटका लगा है ईशांत शर्मा के रूप में। ईशांत शर्मा ने भारतीय टीम का बेड़ा पार करने वो आए थे, लेकिन यहाँ पर नौवे झटके के रूप में वो टीम इंडिया को बड़ा झटका दे गए हैं। इंग्लैंड की टीम फिलहाल चढ़ी हुई है, फॉलो ऑन का खतरा टीम इंडिया पर पूरे तरीके से मंडरा रहा है। कल ऋषभ पंत और पुजारा ने अच्छी पारी खेली थी, वॉशिंगटन सुंदर फिलहाल क्रीज पर डटे हुए हैं, 75 रन बनाकर नाबाद हैं। हालांकि भारत की पारी अब कभी भी सिमट सकती है, अब देखना है कि टीम इंडिया यहाँ पर किस तरीके का खेल दिखाती है। बता दें आपको कि भारतीय टीम को अब यहाँ पर थोड़ा सा बेहतर प्रदर्शन करना होगा, और जितने ज्यादा रन टीम इंडिया यहां पर बना लेगी उतना भारतीय टीम को फायदा हो जाएगा, क्योंकि वॉशिंगटन सुंदर अब हार्ड हिटिंग शुरू कर चुके हैं। इस सेशन में अब तक 20 ओवर में 70 रन भारतीय टीम के बने हैं और 3 महत्वपूर्ण विकेटें जो हैं टीम इंडिया की चली गई हैं। अश्विन ने अच्छा खेल दिखाया, एक अच्छी पार्टनरशिप बिल्ड की यहाँ पर सुंदर के साथ 80 रनों की, लेकिन उसके बाद जिस तरीके से अभी इंग्लैंड की टीम भारत पर चढ़ी हुई है, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप पर भारत का जो दबदबा था वो अब कम होता नजर आ रहा है, और फाइनल के लिए भारत को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, ये बात तय है। इस टेस्ट मैच को टीम इंडिया बचा ले वही बहुत बड़ी बात। ANP न्यूज रूम की रिपोर्ट।